ओके, क्विकली मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ठीक है, देखिए सेट है, मान लीजिए सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ या सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। आपको ये बनाना, सपोज यू कैन राइट दिस एस एम, एम स्मॉल कर दीजिए, एम ए टी एच ई आई सी एस। अब देखिए जब हमने इसके लेटर्स लिखे तो कैसे लिखे, एम लिखा, ए लिखा, टी लिखा, एच लिखा, ई लिखा, फिर हमने एम ए टी छोड़ दिया और आई सी एस लिखा। क्यों? इसका बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक्स चाहिए, ठीक है, आपने अपने सीनियर से कहा कि आपके 11th स्टैंडर्ड के आप टेक्स्ट बुक हमें दे सकते हैं क्या, उन्होंने एग्री किया कि ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, बट आई विल चार्ज यू हाफ ऑफ द रुपीस, ओके, या 40%। मान लीजिए सारे बुक्स जो पूरा सेट है उस पूरे सेट का कॉस्ट 300 रुपीज़ है सपोज, ठीक है, उन्होंने आपको 40% चार्ज किया, 20 रुपीज़ में आपको वो बुक्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने आपको क्या दिया, उन्होंने आपको इंग्लिश का एक टेक्स्ट बुक दिया, मैथ्स का टेक्स्ट बुक दिया, फिजिक्स दिया, केमिस्ट्री दिया, ठीक है, और सपोज आपने सी एस ऑप्ट की, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपने सी एस ऑप्ट किया, आपको सी एस दिया, ठीक है, आपको ये 5 बुक्स उन्होंने दे दिए। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके पास फिजिक्स का और मैथ्स का एक और एक्स्ट्रा बुक पड़ा हुआ है, वो भी आप ले लो, ठीक है। अब उन दोनों का कॉस्ट मिला के मान लीजिए कुछ 100 रुपीज़ है, तो आपको 40 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आई विल नॉट टेक इट, या फिर आप क्या कहोगे, ओके आई विल टेक इट बट आई विल नॉट पे फॉर इट। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो बुक है, तो आप अगर वो बुक रिपीट भी लोगे, ठीक है, तो आप उसका पैसा थोड़ी देना चाहोगे, इज दिस करेक्ट? या तो आप लेना ही नहीं चाहोगे, या आप लेना चाहोगे तो आप पैसे नहीं देने चाहोगे, क्योंकि अब वो बुक आपके काम का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बुक आपके पास है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ओके, सेम यहाँ पे है, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे है, ठीक है। हमने एम ए टी यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इन सेट्स रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। अगर एक एलिमेंट यहाँ पे 2-3 बार 4 बार भी रहा ना, तो भी यहाँ पे आप उसे एक ही बार मेंशन करोगे, ओके। वन मोर थिंग, जब मैंने कहा कि हम इसके ये अल्फाबेट्स लिखते हैं, तो लिखने में किसी ने ऐसे लिख दिया टी एच एम ई ए आई एस सी, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए ये और ये सेम है, यस सेम है। सेट्स में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इन सेट्स ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सपोज़ आपके क्लास में कल आपका पहला पीरियड फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर मैथ्स है, फिर इंग्लिश है, ठीक है, इस तरह से, तो आप क्या करोगे, पहले फिजिक्स का बुक रखोगे, फिर इंग्लिश रखोगे, फिर मैथ्स रखोगे, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, ऐसे रखोगे, या फिर आप सिर्फ बुक्स उठाओगे, हाँ फिजिक्स है ये उठाओ, इंग्लिश उठाओ, मैथ्स उठाओ, सीएस आपका केमिस्ट्री उठाओ और बैग में रख दो, ठीक है। ऑब्वियसली आप यही करोगे, यू विल नॉट गो इन द ऑर्डर वाइज, ओके, आपको सेट ऑफ बुक्स लेके जाने हैं, फिर वो किसी भी ऑर्डर में रहे, ठीक है। यहाँ तक कि जब आप बैग में से बुक निकालते हो और फिर वापस से प्लेस करते हो, तो वैसे ही थोड़ी प्लेस करते हो, जहाँ से निकाला वहीं डालना है, नो, आपने सपोज आगे आगे से बुक निकाला था, रख जाना, आपने पीछे पीछे रख दिया, ओके। सो ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इन सेट्स रिमेंबर 2 थिंग्स, 1 थिंग रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, सेकेंडली ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। आप वॉवल्स में ए ई आई ओ यू बोल दो या उल्टा बोल दो यू ओ आई ई ए, ओके, दोनों केस में वो सेट ऑफ वॉवल्स ही रहेगा, ठीक है। नाउ फर्दर, सिंबल में एक ये सिंबल यूज किया जाता है, इसे कहा जाता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और ये अगर आ गया तो ऑब्वियसली डज नॉट, ये वाला शब्द बिलोंग्स टू, ओके, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू एम, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्स की बात करें, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एम, देखिए इसमें ए एलिमेंट है इसलिए ए बिलोंग्स टू एम आएगा, लेकिन एक्स एलिमेंट नहीं है, पूरा मैथ्स एक्स के ऊपर ही डिपेंड है,
जब भी कुछ होता है x की वैल्यू फाइंड करो, जब भी कुछ होता है x की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू m, मैथमेटिक्स वर्ड में x है ही नहीं, ओके एनी हाउ a प्रेजेंट है इसलिए a बिलोंग्स टू m आ रहा है और x डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, ओके इसी के साथ हम क्विकली मूव कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 3.1 में, वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के पॉइंट ऑफ से जितना थियरी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, अब एक्सरसाइज 3.1 में मूव कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई आर आंसर। क्वेश्चन वन में टोटल 9 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सेट है और कौन सा स्टेटमेंट सेट नहीं है, ठीक है, और आपको इसका आंसर जस्टिफाई करना है, ठीक है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, सेकेंड थर्ड एंड नाइन्थ, 2, 3 and 9 दीज आर नॉट सेट्स, ये सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी सब सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आप लिख लीजिएगा सेट को रिप्रेजेंट करेंगे 1, 4, 5, 6, 7, 8 और इनका जस्टिफिकेशन दीजिएगा। जस्टिफिकेशन सिंपल है, एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड, ठीक है, सिंपल, बस सेट क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो आप क्या लिखोगे, एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड, ओके। और 2, 3 और 9 में उसमें क्या लिखोगे, या तो एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड या द चॉइस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्लियर। क्वेश्चन टू में सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। आपको नीचे 6 क्वेश्चंस दिए हैं और आपको एक प्रॉपर सिंबल इंसर्ट करना है और सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग करोगे, ठीक है, डैट विल बी आवर पार्ट।